दोस्तों, यदि कहीं पे भी प्लाईवुड का पार्टीशन बनाना रहता है तो प्लाईवुड में यदि 3 इंच का जो साइज़ रहता है तो आप 2 इंच के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ से पहले से ही 3 इंच का एक केंडा बना लेंगे। यदि कटर का साइज़ 1 इंच ही रहता है तो उसके हिसाब से 3 इंच का प्लाईवुड है, प्लाईवुड काट के 2 टुकड़े रेडी कर लेंगे। इसका करने का रीज़न ये रहता है कि जैसे काफ़ी सारी पट्टियाँ निकालनी रहती है, 10, 15, 20, 50, तो वो आसानी से निकल जाती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे दोनों साइड रख के प्रॉपर से फिर साइज़ है, प्रॉपर से साइज़ बनता जाता है। यहाँ पे जो प्लाईवुड का जो थिकनेस है भी कट के तैयार हो रहा है, ये 2 इंच का हो रहा है। 2 इंच का यानी दोनों साइड में 8 mm प्लाई लग जाने के बाद में इसका जो साइज़ है 2.5 इंच ही बन जाएगा। और जैसे रेगुलरली जो पार्टीशन रहता है उसके हिसाब से आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। और जैसे पार्टीशन के फ्रेम के लिए यदि प्लाईवुड यूज़ करना रहता है तो आप 19 mm के हिसाब से कर सकते हो, अथवा आप 1 19 mm और 1 12 mm का भी ले सकते हो। और यहाँ पे हमने जो लिया है 2 19 mm के हिसाब से यहाँ पे जॉइंट करेंगे पट्टियों को। आप देख रहे हो दोस्तों, यदि इस प्रकार से आपको बहुत सारी पट्टियाँ कटिंग करनी रहती है तो आप केंडा लगा के आसानी से बॉटम पट्टी से आप काट सकते हो। और जैसे पार्टीशन का लंबाई 8 फीट से ज़्यादा आ जाता है तो उसको जॉइंट करते टाइम ध्यान में रखना रहता है कि एक आगे और पीछे करके दोनों को जॉइंट करते जाएंगे और जो साइज़ रहता है उसके हिसाब से तैयार करते जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक